छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कैंपेन के लिए निकले हुए हैं और 17 तारीख को दूसरे चरण में मतदान होने हैं। सरगुजा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दरअसल 2018 में कांग्रेस ने सरगुजा की पूरी 14 सीटें जीती थी और इसका श्रेय टीएस सिंहदेव को जाता है और कई सारे श्रेय टीएस सिंहदेव को जाते हैं कि घोषणा पत्र जो बनाया था उस घोषणा पत्र को लोगों ने विश्वास किया। हम उनके साथ हेलीकॉप्टर में अगले पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, दूसरी विधानसभा में, जहां पे टीएस सिंहदेव सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इतना हैक्टिक शेड्यूल है, चुनाव में समय कम है, तो सुबह से लेकर किस तरीके से दिनचर्या चलती है बात करते बाबा, जब सुबह निकलते हैं चुनाव प्रचार के लिए तो कैसी शुरुआत होती है? बाथरूम जाना, बुखारी करना, नहाना, कुछ नाश्ता किया और रवाना। अच्छा, उसके बाद रवाना हो जाते, फिर खाने का कोई ठिकाना रहता है कि नहीं? जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हेलीकॉप्टर में ही खाना खाया जा रहा है। जब जैसा मौका मिला जी। तो इस दौरान कुछ अलग स्पेशल रहता है कि डाइट में क्या रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है? जो मिल जाए, जो मिल जाए। आज पसंद का खाना है कि घर से ऐसे पैक होके आ गया जो आ गया हो? खाना सब पसंद का। अच्छा, ये देखिए लकड़ी की चटनी है। अच्छा, ये सरगुजा का खास है। अच्छा, सरगुजा की खास चटनी में बताए, ये सरगुजा की खास चटनी है जिसे बाबा अभी ये कहेंगे नौस फरमा रहे हैं। अच्छा बाबा, ये अब चुनाव अपने सबाब पे पहुंच गया है, क्या दिख रहा है कि कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है? कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। कौन सी योजनाओं को ज्यादा क्लिक कर रही है जनता? किसानों को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके, अरे लगभग हर पहलू को कांग्रेस ने ध्यान में रखा है और साथ में अधोसंरचना विकास भी। अच्छा, इस बार भी कर्ज माफी की बात कही है, तो इस पे जनता कनेक्ट हो रही है क्या? बड़ी राहत होती है, कम से कम 15 से 20 हजार रुपए एकड़ का कर्जा होता है। और फसल अगर मार खाती है तो जो धान आप लेके जाते हो उसमें भी कर्जा का पैसा कट जाता है, इसलिए उसको माफ करने की बात है कि फसल अगर पार मार खाया है तो किसान के घर में पैसा रहना चाहिए ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके। और समर्थन मूल्य 3200 रुपया, तो और भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए की बात कही है, तो ये गेम चेंजर है इस बार की नहीं? भारतीय जनता पार्टी तो इसके घोषित तौर पे खिलाफ थी, उनका तो पत्र तक आ रखा था कि जो बोनस देगा उनका हम चावल नहीं उठाएंगे, लेकिन मजबूरी में ये देख कि लोगों के लिए ये सीधे राहत और लाभ का और उनके पसंद की व्यवस्था है, उन्होंने भी इस बार कांग्रेस की नकल की। बाबा, पिछले चुनाव में लोगों को उम्मीद थी कि टीएस सिंहदेव 14 विधानसभा सीटें उन्होंने दी और टीएस सिंहदेव ही प्रदेश के मुखिया होंगे, इस बार भी कुछ लोग सोच रहे क्या? अपने साथियों के बीच में, समर्थकों के बीच में सभी के लिए ऐसा भाव आता है, जितने सीनियर लीडर छत्तीसगढ़ में हैं सबके लिए उनके समर्थकों में ये भाव रहता है और हम लोग ये सब बात को आपस में लेके चलते हैं कि उसको रहने दीजिए, चलने दीजिए, निर्णय हाई कमांड को करना है, वो जो फैसला करते हैं वो अंतिम रहता है। और उन्होंने पिछले बार भूपेश भाई को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए कहा तो हम सबने स्वीकार किया। और पिछली बार 14 सीटें आई थी, अब ये भी एक चर्चा है कि आपका एक बहुत बड़ा चेहरा सरगुजा में है, दुर्ग संभाग में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, तो इस तरीके से जिस क्षेत्र में जो ज़्यादा सीटें लेके आएगा उसको छत्तीसगढ़ सरकार का चेहरा होगा, ऐसा चर्चा में रहता है, लेकिन अंततः होता वही है जो सब बातों को ध्यान में रख के हाईकमांड तय करे। पिछले बार यहाँ 100% सीट आई थी, लेकिन हाईकमांड ने मेरे को मौका नहीं दिया, जरूरी नहीं है।
इस बार 14 सीटों में क्या लग रहा है बाबा? कम से कम 10-11 आ जाएंगे। अच्छा, एक सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने बोला है, मैं बता देता हूँ कि ओम माथुर का ही कहना है कि सीतापुर सीट तो वो जीत रहे हैं, तो आपको क्या समीकरण लग रहे हैं? कांग्रेस जीतेगी, हमारी जीत जीतेंगे। तो कमजोर कहाँ पे हैं अगर है देखें? कमजोरी की बात नहीं रहती, मतलब ये सरगुजा अंचल में जी, उसमें कुछ सीटें जिसमें चुनौती रहती है उनको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा जी। हर संभाग में, हर जिले में एक आध सीट ऐसी होती है जिसमें कैंडिडेट्स दोनों पार्टी के अच्छे होते हैं जी, तो संघर्ष होता है। अच्छा, तो आप इस बार 75 बार का नारा दे के हम चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो क्या लग रहा है कि ये नारा पूरा हो रहा है? टारगेट तो हमको अच्छा लेके चलना ही चाहिए, टारगेट ऊंचा लेके हम नहीं चलेंगे तो प्राप्त कैसे करेंगे? लेकिन 2/3 से कम यानी 90 में 60 से कम आएगी तो बड़ी निराशा होगी, क्योंकि वाकई में कांग्रेस ने इस सरकार के दरमियान अच्छे बड़े बड़े काम किए। आपको क्या लग रहा है 60 तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि 50 से 55 के बीच में कांग्रेस आ सकती है, और भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज में थोड़ा सा भी चर्चा थी कि वो तेजी से उसने ग्रो किया है जो 3 महीने पहले नजर नहीं आ रही थी। मुझे विश्वास है कि अच्छी बहुमत कांग्रेस की आएगी, क्लियर मेजोरिटी।